नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कुटी गुरुकुल में। आज हम आपको बताएंगे आपका कल्याण करने के लिए दीप ज्योति किस प्रकार प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने का मंत्र, जिस प्रकार दीपक की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर की ओर उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। दीप ज्योति प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आप प्रज्वलित हैं, उसी प्रकार हमारे सांसों की ज्योति प्रज्वलित रहे, हमारे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित रहे, हमारे वंश की ज्योति प्रज्वलित रहे, चलती रहे, और आपके रोशन से जिस प्रकार अंधकार दूर होता है, आपकी ज्योति के नूर से जिस प्रकार अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार आपकी कृपा से, हमारे ज्ञान की ज्योति से हमारे ईर्ष्या वैर भाव वो दूर हो, मन का जो अंधकार है वो दूर हो। इस प्रकार आप कोई भी पूजा का, संध्या का, आरती का या किसी प्रकार का दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको ये मंत्र जरूर बोलने चाहिए। इन मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। मंत्र हम आपको बताते हैं, आप मंत्र देखकर भी बोल सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम मंत्र को लिख देंगे। ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हर्तो मे पापम, पूजा दीपर नमोस्तुते, शुभम करो तो कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार ये मंत्र बोल सकते हैं। दीप ज्योति ज्वाला का आप ध्यान करें, फिर पुष्प चावल लेके दीप के पास पुष्प चावल छोड़ें। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति ज्वाला रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे दीप ज्योति ज्वाला आदि शक्ति, हम आपको हे दुर्गी माता ज्योति के रूप में प्रणाम करते हैं। आप हमारे मन के अंधकार को दूर करना, शत्रुओं की बुद्धि को दूर करना, उनको मार्ग दिखाना और हम पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मन का वैर भाव दूर करना। इस प्रकार बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हमने आपको दो मंत्र ये बताए हैं जो विशेषकर प्रयोग किए जाते हैं। सो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे अन्य उपाय की जानकारी। आपका क्या प्रश्न है, प्रश्न कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किस प्रकार जागरण की ज्योत बनाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, वो बताएंगे। और जो भी उपाय टोटका आप पूछेंगे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये लाइक करना और सभी के साथ साझी करना, शेयर करना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पेज को लाइक करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, दुर्गी माता आप पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। खुश रहो, परिवार के साथ आनंद मंगल से रहो और कुछ पूछने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।